हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से घर में ये कढ़ाई पनीर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने 7 से 8 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और 8 से 10 मैंने प्याज ली है। तो हमें प्याज और टमाटर दोनों को अच्छे से कट कर लेना है थोड़ी बड़े शेप में। तो इस तरीके से मैंने प्याज टमाटर को कट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। इसके छोटे छोटे इस तरीके से हमें पीसेस कर लेने हैं। और इसके बाद दोस्तों, मैंने 2 से 3 प्याज लिया है, उसे लच्छे में कट कर लिया है। लहसुन की कलियां ली हैं, शिमला मिर्च को लंबा लंबा सा कट कर लिया है और हरी मिर्च ली है, 2-3 हरी मिर्च को आपको ऐसे लंबा लंबा कट कर लेना है। इसके बाद खड़े मसाले में धनिया है, बादाम है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और जायफल है। और ये मैंने 250 ग्राम के लगभग पनीर ले लिया है, इसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको पहले से सारी प्रिपरेशन कर लेनी है। तो मेरी आधी प्रिपरेशन हो गई है, तो चलिए बाकी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें घी और बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये सारी कटी हुई सब्जियां हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमारा प्याज और टमाटर हमने कट किया था। तो मैंने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है। अब हमें इसे कुछ देर तक गलने तक सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पकाना है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम पकाएंगे और साथ ही जो हमने खड़े मसाले लिए हैं, खड़े मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सारे मसालों को हमें बहुत अच्छे से पकाना है, मतलब कम से कम आपको 70% सारे मसालों को बहुत अच्छे से पका लेना है आपस में मिक्स करके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये रेसिपी की आगे की प्रोसेस। तो अभी मैं फ़िलहाल सारे मसालों को बहुत अच्छे से आपस में मिक्स करके पका रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी लगभग हमारे जो सारे मसाले हैं ये कुछ पक चुके हैं। इसके बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी पाउडर को ऐड करने के बाद भी हम सारे मसालों को बहुत अच्छे से आपस में मिक्स करके इस तरीके से पका लेंगे। तो सारे मसाले मेरे बहुत अच्छे से पक गए थे। इसके बाद आपको सारे मसालों को ठंडा कर लेना है। तो मेरे मसाले फाइनली ठंडे हो चुके हैं। इसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में हम सारे मसालों को ऐड करके इसका फाइन पेस्ट हमें रेडी कर लेना है। तो एकदम इसकी हमें एकदम फाइन प्यूरी तैयार कर लेनी है। तो चलिए सारे मसालों को हम बहुत अच्छे से इसके एकदम फाइन सी प्यूरी तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो प्यूरी है हमने जो अभी मिक्सर ग्राइंडर में पीसा है ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो हमारी प्यूरी बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार हुआ है बनकर। तो इस तरीके से मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। तो आप एक बार ये कढ़ाई पनीर की रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप मेहमानों के लिए भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगेन मैंने एक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल लिया है, आप बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने ये 250 ग्राम पनीर को क्यूब में कट किया था, इसमें हम ऐड करेंगे और हल्का सा पकाएंगे। इस प्रोसेस को करने से हमारे पनीर बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, सारे मसाले पनीर के अंदर तक जाते हैं, जिससे कि हमारा पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमें इस प्रोसीजर को भी अपनी कुकिंग में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं ऐड करूँगी। तो मैंने हल्दी पाउडर को भी ऐड करके सारे मसालों को बहुत अच्छे से मैं पकाऊँगी। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद हम फिर से सारे मसालों को आई मीन टू से मैं पनीर को
सॉफ्ट होने तक कुछ देर के लिए पकाऊंगी। तो पनीर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, मैंने पनीर को एक अलग से निकाल लिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर बटर का यूज किया है। तो दोबारा से हम तड़का लगाएंगे। तो ये जो हमारा बारीक कट प्याज है, हरी मिर्च है, हमारा बारीक कटा शिमला मिर्च है, इसे हम ऐड करेंगे पैन में। सारी चीज़ों को आपस में बढ़िया से कुछ देर के लिए हम सौते करेंगे इस तरीके से। तो चलिए सारे मसालों को हम कुछ देर के लिए पकाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मसाले हैं मैं लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से पका रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड किया है, फिर थोड़ा सा मैंने कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है। इससे हमारी सब्जी की जो ग्रेवी है उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद भी सारे मसालों को हम बहुत अच्छे से आपस में पकाएंगे, सारी सब्जियों को 70% गलने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसालों का कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट किया करिए, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है। इसके बाद हमारी जो मैंने फाइन प्यूरी तैयार की है हम इसमें ऐड कर देंगे, और आप देख सकते हैं हमारे सारे मसाले मिलके ग्रेवी का कलर कितना अच्छा लग रहा है, एकदम थिक सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए सारे मसालों को हम फिर से बहुत अच्छे से पकाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई पनीर की ये जो ग्रेवी है बनकर तैयार हो गई है, और बहुत ही अच्छी दिख रही है हमारी ग्रेवी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो एक बार आप ही मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस लगती है। फिर मैं टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, नमक ऐड कर देते हैं। तो मैंने सारी सब्जियों में नमक ऐड कर दिया है अपनी ग्रेवी में, और हमारी ग्रेवी को इसके बाद मैंने 5 से 10 मिनट के लिए उबाल आने तक पकाया है, और हमारी ग्रेवी लगभग डन है, बहुत अच्छे से पक चुकी है। सारे मसाले आपस में बहुत अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए अभी ये हमारी फाइनली ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आपको मतलब जब तक आपकी ग्रेवी थिक नहीं हो जाती है आपको ग्रेवी को बहुत अच्छे से पकाना है। तो लगभग हमारी ग्रेवी एकदम से तैयार है, बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये है दोस्तों हमारी कढ़ाई पनीर की ग्रेवी, आप देख सकते हैं दिखने में बहुत ही यम्मी डिलीशियस लग रही है। सारे मसाले आपस में बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके बाद अभी पनीर को ऐड करेंगे हम। तो ये हमारे पनीर हैं, एकदम सॉफ्ट हैं। तो चलिए हम अपनी कढ़ाई पनीर की ग्रेवी में हम अपने पनीर को ऐड कर देते हैं। कुछ देर के लिए हम फिर से पकाएंगे सारे मसालों को आपस में मिक्स करके। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरी ग्रेवी रेडी है। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको 100% आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आपकी फैमिली भी बहुत इंजॉय करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।